अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्गेशन पीएससी एकेडमी। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी घर में अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। बच्चों जो आज का जो लेक्चर है वह हमारा हिस्ट्री के जीएस का है, जो कि एमपीपीएससी प्री, एमपीपीएससी मेंस, आईएससी प्री, मेंस एवं जितने भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ, और ये वीडियो यदि आपको पसंद आती है इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं हमारे चैनल को बच्चों जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों चलते हैं आज के क्लास की ओर। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वह मिडिवल हिस्ट्री का है और यह हमारी पांचवी क्लास है। यदि आपने भी हमारे पहले के लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप गर्ग आईएएस पीएससी एकेडमी में यूट्यूब चैनल में जाइए, वहां पर हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, कौन से मध्यकालीन भारत का इतिहास के नाम से। वहां पर सीरियल वे में क्या हुआ सारे लेक्चर यहां पे दिए गए हैं। सबसे पहले हमारा इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मुसलमानों के कर्तव्य, उसके बाद सिंध कैसे विजय हुई, ठीक है, अरबों का आक्रमण कैसे हुआ, ठीक। यह हमारी पांचवी क्लास है बच्चों आज की। आज का जो हमारा टॉपिक है मोहम्मद गोरी, यह बच्चों जो अरबों का आक्रमण हो जाता है, ठीक है, महमूद गजनवी आके चला जाता है, उसके बाद की कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है। ये बच्चों पूरा बेस है, यदि आपकी ये समझ में आता है तो मिडिवल हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और ये चीज यहाँ की चीजें आपकी यदि क्लियर नहीं हो पा रही है तो मिडिवल हिस्ट्री आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। इसलिए बच्चों ध्यान पूर्वक क्या करिए, आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए और डेली बेसिस पर निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लग रहा हमारी क्लास का, आप क्या करिए इन वीडियो को देखिए और अपनी पढ़ाई को अच्छी करिए। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी है बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ स्टार्टिंग करते हैं कि इससे जो हमारा मोहम्मद गोरी कौन से वंश के था। तो बच्चों ये जो मोहम्मद गोरी जो था वह गौर वंश का शासक था। गौर वंश जो था बच्चों इसका उदय 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ था। इसका जो एरिया था बच्चों उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान, यानी कि यह जो वंश था गौर वंश था उत्तर पश्चिम में फला फूला था, ठीक। अब आप समझ सकते हैं कि यह जो वंश उत्तर पश्चिम में फल फूल रहा है तो भारत के कितने करीब है, भारत के जितने करीब होगा भारत को उतनी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। तो बच्चों इसका जो एरिया है उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में अपन देखते हैं बच्चों, तो यह वंश अपना फला फूला। जो इस वंश के शासक थे या फिर सरदार कह लीजिए, सबसे पहले कहाँ के अधीन थे बच्चों, तो ये लोग पहले गजनी के अधीन थे। इसके अधीन थे ये लोग प्रारंभ में गजनी के अधीन थे। कौन सा गजनी? वही गजनी जहाँ का महमूद गजनवी था और हम यहाँ आया भारत आया था, भारत से सारी धन संपदा को लूट करके लेकर गया था। तो बच्चों ये गजनी के अधीन थे और बाद में धीरे धीरे क्या होने लगे बच्चों, बाद में धीरे धीरे क्या होने लगी है, स्वतंत्र होने लगी। धीरे धीरे जैसे समय पीरियड टाइम पीरियड चलता गया क्या होते गए, स्वतंत्र होते गए और अपनी जो सत्ता थी एक डिफरेंट सत्ता अपनी स्थापित कर ली। इन्होंने बच्चों जो आक्रमण किया था तो इनके आक्रमण क्या था, गजनी को इन्होंने सेंटर माना था अपना, ठीक है, कहाँ सेंटर माना था, गजनी को सेंटर माना था और उसी सेंटर को मान करके क्या किया था बच्चों, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो मोहम्मद गोरी था बच्चों बहुत ही शातिर, बहुत ही क्रूर एवं बहुत ही खतरनाक था। मोहम्मद गोरी के बच्चे एक भी नहीं थे, जो उत्तराधिकारी थे उनके जो संतान थे वह एक भी नहीं थी। मोहम्मद गोरी क्या करता था बच्चों, दासों को पालता था। पहले के समय में क्या होता था कि जो मंडियां लगा करती थी तो वहां पे दास को क्या किया जाता था, सेल किया जाता था, दासों को बेचा जाता था या बहुत सारे दासों को खरीद लेता था। जो मोहम्मद गोरी था ये क्या करता था, दासों को खरीदता था और दासों को बहुत ज्यादा प्रेम करता था, ठीक। एक मिनहाज सिराज की जो पुस्तक है उसमें मिनहाज लिखता है कि जो मोहम्मद गोरी कहता था कि मेरा जो उत्तराधिकार है, ठीक है,
मैं मेरे पुत्र नहीं है लेकिन मेरे एक से एक हजार से दस हजार करीब दास है, यानी कि मेरे दास ही मेरे पुत्र हैं। वह दासों को ही क्या अपना पुत्र समझता था और बोलता था कि मेरा उत्तराधिकारी भले मेरी संतान नहीं है लेकिन मेरे इस साम्राज्य को, जो मेरा पूरा साम्राज्य है, वह मेरे दास संभालेगी। ठीक है, मोहम्मद गौरी का ही दास था बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ठीक, ये सब दासी थे जो कि शासन करते हैं। आप दिल्ली सल्तनत में देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में मैक्सिमम जो है तुर्क साम्राज्य का ही क्या होता है वहां पर समावेश रहता है, ज्यादा से ज्यादा तुर्क शासक ही आपको मिलेगी पूरी दिल्ली सल्तनत में। ठीक है बच्चों, तो मोहम्मद गौरी जो था बहुत ही शातिर था, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही क्रूर शासक माना गया। अब आगे चलते हैं, मोहम्मद गौरी की जो विजय थी बच्चों 1175 में, सबसे पहले इसने मुल्तान पर 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय मुल्तान में करमाथी वंश का शासन हुआ करता था। कौन सा वंश था बच्चों? करमाथी वंश का शासन हुआ करता था। इस विजय में इसको क्या हुआ बच्चों, जो वाला युद्ध था इसमें उसको विजय प्राप्त हुई, विजय उसको प्राप्त हुई मुल्तान में, उसको करमाथी वंश में क्या हुआ उसको विजय प्राप्त हुई। इस विजय से बहुत ही खुश होकर के उसने क्या किया, 3 साल बाद मुल्तान में उसको फर्स्ट में विजय हो गई, तो 3 साल बाद उसने गुजरात पर, ठीक है, 1178 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ पर उसको गुजरात पर आक्रमण किया बच्चों, यहाँ पर जो शासक था भीम सेकंड था। भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया। अब देखिए ये थोड़ा सा अपने भारत के यहाँ पे मैप थोड़ा सा यहाँ बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला रीजन यहाँ पे मुल्तान वाला था, ये वाला, ठीक है, और ये वाला हमारा गुजरात वाला था। सबसे पहले उसने क्या सोचा कि सबसे पहले मैं ये वाले सेंटर पॉइंट पे, ये वाले सेंटर पॉइंट पे विन करूं, उसके बाद यहां से विन कर लूंगा। उसने सबसे पहले ये वाले सेंटर इसको विन किया और इसके बाद गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर आक्रमण करने के बाद क्या होता है बच्चों, गुजरात पर इसका जो आक्रमण होता है, गुजरात पे आक्रमण में यह जो यहाँ पे भीम सेकंड, यहाँ पे जो इसका शासक था भीम सेकंड था, यहाँ पर शासन ये कर रहा होता है, इसने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित किया। अब बुरी तरीके से पराजित करने के बाद यह वापस आता है, अब सोचता मैं यहाँ से आक्रमण नहीं करूंगा, तो ये वाला क्षेत्र से आक्रमण नहीं करता। इसके बाद आता बच्चों ये वाला क्षेत्र पंजाब वाला। अब कह 1181 में पंजाब पर आक्रमण करता था। यहाँ का जो शासक होता है उसका नाम होता है खुसरो मलिक। 1181 में जो आक्रमण करता है तो वहां का जो शासक था खुसरो मलिक। वह जो खुसरो मलिक जो रहता है बच्चों, तो जानता है कि जो तुर्की जो है वो महमूद गजनवी से परिचित था। ठीक है, तो वो जानता था कि यहाँ के जो तुर्क शासक होते हैं बहुत ही क्रूर होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए वो क्या किया, उनसे पहले से हार मान लिया, उनको खूब सारा धन दिया, बोला आप धन लीजिए और संतुष्ट होकर यहाँ से जाइए, और वहां से क्या करता है इनको विदा कर देता है खुसरो मलिक। लेकिन 1186 में क्या होता है, फिर यहाँ पे आक्रमण करता है और सोचता है कि ये मोहम्मद गौरी इसको विजित कर दो, तो क्या करता है इसको भी विजित कर देता है। और विजित करने के बाद क्या करता है बच्चों, यहाँ को विजित करने के पश्चात यहाँ पर अपना एक उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। खुसरो मलिक को क्या करता है, बंदी बना लिया जाता है, बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके पंजाब के पूरे राज्य में अधिकार। आगे चलते हैं बच्चों, तो 1186 के बाद जो मेन जो लीड होती है बच्चों 1191 की, यह जो बड़ी खतरनाक थी, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एक लड़ाई हुई थी तराइन का, ठीक है, तराइन का युद्ध जो था बच्चों बड़ा ही खतरनाक था। और तराइन का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने भारत में तुर्की सत्ता की नींव को रखा था। यदि तराइन का युद्ध जो था पृथ्वीराज चौहान जीत गए होते, ठीक है, जीत गए होते दोबारा से भी, या फिर ऐसा मान सकते हैं 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तो उसमें उन्होंने पहले क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया और दूसरे में क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया। और पराजित करवाने के बाद क्या हुआ, पूरे भारत में मुस्लिम सत्ता का, तुर्की सत्ता का क्या हुआ, एक समावेश हो गया। और धीरे धीरे क्या करने लगे, पूरे तुर्क जो थे पूरे भारत में अपना अपने पैर पसारने लगे। तो तराइन का युद्ध जो था बच्चों, ये एक ऐसा युद्ध था जिसने मिडिवल हिस्ट्री की बहुत एक इम्पोर्टेंट तरीके से साम्राज्यवाद की, मुस्लिम साम्राज्यवाद यानी खिलाफत की शुरुआत कर देता है। यहीं से क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, मुस्लिम सत्ता, तुर्की सत्ता का भारत में क्या होने लगता है, प्रवेश होने लगता है।
उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, ठीक है, तुर्की, ईरानी, इराक, ये सबका भारत में समावेश होने। आगे चलते हैं बच्चों, तो 1192 में मैंने बताया, 91 में त्राइन का पतन, 92 में त्राइन का युद्ध। फिर नेक्स्ट होता है बच्चों कन्नौज का, 1194 में कन्नौज का युद्ध होता है जिसमें राजा जयचंद्र को पराजित करता है, ठीक। इसके बाद 1195 बयाना का युद्ध होता है जिसमें राजा कुमार पाल को पराजित करता है। 1205 जो था बच्चों ये इसकी अंतिम विजय थी। इसके बाद मोहम्मद कोरी क्या था वापस चला जाता है, तो ये खोखरों से इसका युद्ध होता है, इसमें विजय प्राप्त होती। फिर क्या होता है बच्चों, एक बार ये इसकी जो डेथ होती है लाहौर से क्या होता है गजनी वापस जा रहा होता है, तो दमियग नामक स्थान पर क्या होता है एक विद्रोह। देखो मोहम्मद कोरी था बहुत लोगों को लूटा था, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ खोखरों को भी जीता, यहाँ कन्नौज युद्ध हुआ, त्राइन युद्ध हुआ, तो बहुत सारे उसके विद्रोही क्या हुए थे जनरेट हो चुके थे। यहाँ पर एक विद्रोही नामक ने इनकी यहाँ पर दमियक नामक नाम पर जो हत्या कर दी। वो क्या कर रहा था लाहौर से गजनी वापस लौट रहा था, रास्ते में ही मोहम्मद गौरी की बुरी तरीके से हत्या कर दी गई। फिर तो इसकी हत्या कर दी गई, तो इसकी जो डेड बॉडी थी उसको कहाँ पर ले जाएगा, गजनी ले जाएगा और वहीं पर दफनाया। तो यहाँ से इसकी कहानी क्या होती है बच्चों, अपन देखते हैं कि जो मोहम्मद गौरी था, तो मोहम्मद गौरी का जो विजय इसमें जो एमपीपीएससी या फिर जीएस के रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ होते हैं यही सुनते हैं बच्चों, कि मोहम्मद गौरी कौन से वंश का था, कहाँ से आया था, उनका क्षेत्र क्या था, ठीक है, उनकी विजय, ये विजय आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखना कि कौन से सन में उसने किस स्थान को विजित किया, ठीक। बहुत ज्यादा त्राइन के फर्स्ट एंड सेकेंड युद्ध हो गए, कन्नौज का युद्ध, बयाना का, ये सब बहुत बार पूछा जाता है, ये सब एमपीपीएससी प्री एवं जो हमारे क्वेश्चन आते हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों जो क्वेश्चन है प्री एमपीपीएससी मेंस के लिए, वह तुर्कों की विजय के कारण, ठीक है, तुर्कों की विजय के कारण यानी तुर्क जो थे जीते क्यों, इसके रीजन देखते हैं। पर सबसे पहले तुर्कों का ठंडे प्रदेशों का निवासी होना, क्या होता है भारत जो है, भारत एक ऐसा देश है जो कि उत्तरी भारत अपनी बात करें तो तीनों जलवायु को देखता है, ठंडी भी देखता है, गर्मी भी देखता है, बरसात भी देखता है, ठीक है। तो क्या होता है बॉडी हमारी जो होती है उतनी एक्टिव नहीं रह पाती, ठीक है, उतनी एक्टिव नहीं रह पाती, लेकिन जो वो मुस्लिम जो तुर्क लोग थे वो ठंडे प्रदेश के निवासी थे, इसलिए क्या रहती है उनकी जो बॉडी रहती है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक एक्टिव रहती है, ठीक है बच्चों। इसलिए नेक्स्ट था एकता, उनमें एकता क्या रहता था, हमारे भारत में क्या होता था जो भारत के छोटे छोटे राज्य रहते थे तो जब लड़ाई होती थी तो क्या करते थे कि अपने जो देश के जो अपने आप पड़ोस के जो सामंतवादी राजा थे वही हमारा साथ नहीं देते थे, वही क्या करते थे हमारी बातें जाकर के उन लोगों से बता देते थे, ठीक है, यानी कि ये जो धोखाधड़ी वाली बातें होती यहीं से जनरेट होती हैं, ठीक है, यहाँ से सारे कुछ पैसों की महज कुछ पैसों की खातिर अपने साम्राज्य को बेच देते थे। और वो क्या करते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे पास जो हमारे बगल वाला जो प्रदेश है वो हमको हमारे ऊपर राज्य करे, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को लेकर के वो लोग आपस में उलझ जाते थे और क्या करते थे लड़ाई करवाने लगते थे। तो इस प्रकार से लड़ाई क्या थी उनमें एकता नहीं थी, लेकिन तुर्कों में एकता थी, वो एक और युद्ध करते थे। अपने धर्म को प्रसार करने की जो नीति थी वह बहुत ही अच्छी थी, वो सोच रहे थे हमारा जो धर्म है सारे जहां में क्या हो इसका परचम लहरा जाए, वो भी नहीं पता बोलते खिलजियों को परचम बुलंद रहे, क्यों, क्योंकि ये क्या करते थे अपने जो धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दूसरे देशों में करना चाहते थे, जिससे इनके धर्म का प्रचार अपने देश में तो लहरा ही रहा दूसरे देशों में भी लहरा है। तो क्या था धार्मिक दोष। इसके बाद अगर बच्चों लड़ाकू सैनिक, इनके जो सैनिक रहते थे तुर्कों के ये बहुत ही साफ एवं सातिर रहते थे, है या एक घुड़सवारी के साथ जैसे घुड़सवारी करते करते लोग तीर चला लेते थे, घुड़सवारी करते करते के साथ इन लोग क्या करते थे भाला से तलवार मतलब सभी जितने भी युद्ध की नीतियां रहती सभी में बहुत एक्सपर्ट रहते थे। जब युद्ध होता था तो एक सैनिक एक तुर्की सैनिक 10-10 इंडियन भारतीयों को क्या करता था पछाड़ देता था, तो इनके जो सैनिक रहते थे बहुत ही स्ट्रांग होते थे,
नेक्स्ट था बच्चों उत्तम घुड़सवार। घुड़सवारी क्या था उस समय, क्या रहा था भारत में घुड़सवारी नहीं थी, और अपन ये पढ़ते एंसेंट में कि अपन क्या करते थे, इराक और ईरान से क्या करते थे, घोड़े घोड़े क्या करते थे, आयात किए जाते थे, क्योंकि वहां पर घोड़े बहुत अच्छी किस्म के, अच्छी नस्ल के घोड़े पाए जाते थे, इसलिए वहां से हम क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे घोड़ों का, तो घोड़े बहुत अच्छे तरीके से होते थे। नेक्स्ट था बच्चों मांसाहारी, वो लोग क्या खाते थे, मीट खाते थे, अपन दाल चावल खाने वाले तो अपन कितनी अपने पास स्ट्रॉन्गनेस रहेगी, और लोग क्या करते थे मांसाहार करते थे, इसलिए उनकी बॉडी जो रहती थी स्ट्रॉन्ग रहती थी। नेक्स्ट है बच्चों कूटनीति, वो लोग कूटनीति बहुत करते हैं, आपने पद्मावत मूवी देखा होगा, लास्ट में क्या होता था, राजा रतन सिंह जीत रहे होते हैं, लेकिन मालिक कुफूर क्या करता है, पीछे से उनके ऊपर तीर चला देता है, पीछे से तीर लग जाता है और चला, तो कूटनीति है यदि, और हमारे देश के लोग क्या करते थे, हमारे देश के लोग कूटनीति नहीं करते थे, वो बहुत ही ईमानदारी सच्चाई और धर्म के रास्ते में चलते हुए क्या करते थे, युद्ध करते थे, इसलिए कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना। तो क्लियर हुआ बच्चों, मैंने आज मोहम्मद गौरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी, और कैसे कैसे उसने अपनी विजय की, और क्या क्या रीजन था उसके यहाँ पर करने का, उसको विजय के कारण क्या थे, ये हमारे 6 नंबर क्वेश्चन एमबीबीएस मेंस के 6 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद मैंने मोहम्मद गौरी के बारे में सारी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी। तो बच्चों कैसी थी आज की क्लास, मजा आया आप लोगों को, समझ में आई, ये वीडियो आपको पसंद आई हो ठीक, ये आपको चीजें समझ में आई है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों, लाइक क्या हमारा एनर्जी बूस्टर रहता है, इस वीडियो को लाइक करेंगे तो क्या करेंगे, हम आपके लिए और नई से नई वीडियो लेके आएंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को जाकर कमेंट करें, जो भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट जरूर किया करिए कि आपको फील कैसे हो रहा है, आपकी फीलिंग आप हम जो आपकी फीलिंग्स रहती वीडियो को देखने के बाद, तो आपको हम आपके पास जा तो पाते नहीं, तो हम कैसे पता चलती है कमेंट से, इसलिए कमेंट सेशन में आप मेंशन जरूर किया करिए। और बच्चों जो बच्चे भी हमारे चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं किया है उन तक इस चैनल को ले जाए जाइए, ताकि वो बच्चे भी इस वीडियो को इसको क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं गाँव के बच्चे हैं दूर के बच्चे हैं, तो भी अपनी पढ़ाई को क्या करें स्टार्ट करें, और अपने जो लक्ष्य उनका गोल है उस गोल को अचीव करें, ठीक है बच्चों, तो बने रहिए हमारे चैनल में, और डेली बेसिस पर वीडियो आ रही है कंटिन्यूस, तो डेली बेसिस पर वीडियो बनाइए देखिए, अपनी नोट्स बनाइए और अपनी पढ़ाई को एक नया आज दीजिए, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगा कर पढ़ाई करिए, थैंक यू बच्चों।